नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी में जो मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको लगातार रोज एक से दो प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैथ्स भी पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल चैप्टर वाइज, तो वहां पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहां पर जितने भी क्वेश्चन लेकर गया हूं आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में इसके पहले पूछे जा चुके हैं। और पूरा वीडियो जो है अंत तक देखने से आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं आपको हर क्वेश्चन जो है बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ, बिल्कुल को बेसिक से, ट्रिक से, जो भी हो सकता है मैं आपको हर माध्यम से समझाता हूँ, जिससे एटलीस्ट उससे संबंधित और भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आप लोग उसको आराम से कर ले जाओ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और इसी तरह से वीडियोज़ चाहते हैं और आप मैथ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था चकबंदी अधिकारी पेपर में, पूछा गया था, लोअर पीसी इसको बोला जाता है, कि एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है तथापि 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण यह 110 दिनों में पूरा हुआ। क्वेश्चन सिंपल से ये कहना चाह रहा है कि एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता था लेकिन 10 मजदूर जो कामगार या मजदूर जैसे वो अनुपस्थित यानी कि वो नहीं थे, उसके कारण ये काम जो है 110 दिनों में पूरा हुआ। तो असल में कामगारों की संख्या कितनी थी? तो जब आपने वर्क ऑन टाइम पढ़ा होगा, मेरे से पढ़ा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा, तो आपको एक फॉर्मूला मिला होगा M1D1 = M2D2। बस आपको इसी फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में यूज करना है और आपका जो आंसर है आ जाएगा। तो यानी कि एक काम जो है 100 दिनों में पूरा हो सकता था, यानी कि काम जो है 100 दिनों में पूरा हो सकता था अगर M1 लोग होते, यानी कि पहले M1 लोग थे, अगर M1 लोग होते तो काम जो है 100 दिनों में पूरा हो जाता, लेकिन जो है 10 मजदूर यहाँ पर क्या थे, अनुपस्थित थे, यानी कि यहाँ पर M2 जो है उसमें से 10 कम हो गया, तब ये काम जो है 110 दिनों में हुआ। माफ़ कीजिएगा, तो आपका देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे और सॉरी M1 - 10 हो गया, M2 जो है आपका M1 से पहले से कितना है आपका 10 कम है। ये 10 कम क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 10 जो है अनुपस्थित थे, तब ये काम जो है D2 कितने में हो रहा है, 110 दिन में हो रहा है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 10 × M1 कितना हो जाएगा, 10 M1 = 11 × M1 करोगे तो 11 M1 हो जाएगा, -11 × 10 करोगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 11 को इधर लेके आओगे -M1 हो जाएगा, क्योंकि भाई 10 में से 11 घटाओगे तो -M1 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -110। यानी कि ये से ये कट गया माइनस से माइनस, तो M1 का वैल्यू कितना आ गया, 110 आ गया। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है आपका कितना आ जाएगा, 110 आ गया। देखो ये पूरा सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ से एक ही लाइन में बता सकते हो इसका आंसर कितना आ सकता है अगर आपको मैथ अच्छे से आती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जोड़ना घटाना या पक्षांतर करना अच्छे से नहीं आता है, तो उनको भी तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं आप सभी के लिए ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे, ये मत सोचेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, असल में कामगारों की संख्या कितनी थी, 110 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ए अनुपाते बी थी कितना दिया गया, ए अनुपाते बी 3:4 दिया गया है, सी अनुपाते बी 5:4 दिया गया है, और सी अनुपाते डी आपका 10:9 दिया गया है। तो आपको ए बी सी डी सबका अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अब यहाँ पर हमें पता है कि ए अनुपाते बी, देखो ए अनुपाते बी कितना है आपका 3:4 है, ठीक है, और यहाँ पर एक दिया गया है सी अनुपाते बी, इसी को क्या करो बी अनुपाते सी लिख लो। अगर इसको आप लोग बी अनुपाते सी लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5:4 था सी अनुपाते बी, अगर इसको बी अनुपाते सी करोगे तो ये 4:5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि देखा जाए यहाँ पर बी और यहाँ पर बी कॉमन है और यहाँ पर 4 और 4 आपका कॉमन है, तो इन दोनों को अगर एक साथ मिलाओगे तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान कितना आ जाएगा, 3। देखो ये ए का मान हो गया, बी का मान 4 हो गया, अगर यहाँ पर 4 के अलावा कुछ और होता तो हम इस वाली वैल्यू को बराबर करके निकालते, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ बराबर कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 2 होता तो इसमें 2 से गुणा, पूरे वाले में 2 से गुणा कर देते, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तब आपका ये बराबर हो जाता, या अगर आपका दोनों बराबर नहीं होता तो दोनों में उसी का व्युत्क्रम से गुणा कर देते तो आ जाता। तो यहां पर ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना आ जाएगा, 3:4:5 आ जाएगा।
अब देखिए एक आखिरी में दिया गया सी अनुपाते डी कितना दिया गया 10:9। अब देखो यहीं से आपका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सी अनुपाते डी, डी देखिए कितना दिया गया है 10:9। देखो सी ये वाला है ना, तो इसके नीचे लिखो 10:9 कर दो। अभी देखो बराबर करने को आ गया। अब देखो यहाँ पर डी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 5 है। अब देखो सी और सी यहाँ पर अगर कॉमन है तो हमें सी की वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि अगर ये 5 है तो इस 5 को क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। तो इस 5 को 10 हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। इस 5 को आराम से 10 बना सकते हैं अगर इस 5 में हम लोग 2 से गुणा कर दें, लेकिन 2 से गुणा करने पर ये सब में गुणा होगा, यानी कि 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, अनुपाते 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, और 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए 6 × 8 = 10, और ये 10 × 9 है, तो यानी कि अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि यहाँ से ए अनुपाते, बी अनुपाते, सी अनुपाते, डी का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा। देखिए ए कितना है आपका 6 है, देखिए यहाँ पर 6 है, फिर कितना है आपका 8 है, फिर आपका कितना है 10 है, और डी कितना है आपका, देखिए डी यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपका देखिए कोई ऑप्शन इसलिए मिल रहा है 6 × 8 = 10 × 9, यहाँ पर देखा जाए सी वाला आंसर जो है मिल रहा है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप सबको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि 3 भिन्न संख्याओं का एलसीएम, लासापा एलसीएम कितना दिया गया है, 120 दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन उनका एससीएफ नहीं हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 अलग अलग संख्याओं का, भिन्न संख्याओं का एलसीएम दिया गया 120, तो उनमें से कौन सा उसका एमएसपी मासा नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, देखो यहाँ पर हम लोग सीधे आंसर लिख देंगे 24। क्यों सर, यहाँ पर जो 24 है वो उन 3 संख्याओं का मासा नहीं हो सकता है जिनका लास है 120 है। क्यों भाई, क्योंकि 24 के साथ 120 के साथ यहाँ पर 3 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन देखो जैसे 24 के साथ, देखो एक 24 है, अब देखो 120 का अगर आप लोग गुणनखंड करोगे, जैसे 8 के साथ निकालो, तो 8 के साथ 3 गुणनखंड क्या आएगा, देखो 8 भाई, 8 के बाद क्या बच रहा है, किसमें 120 को और तोड़ो तो 15 × 120 होता है, यानी कि इसको आप लोग 3 में तोड़ सकते हो, 8 × 5 × 3, यानी कि देखो 3 में टूट गया, क्योंकि 3 भिन्न संख्या है ना, तो यहाँ पर जो यहाँ पर नंबर दिया गया है उसके साथ 3 भिन्न संख्या टूटना चाहिए। जैसे यहाँ पर 12 के साथ तोड़ो तो 120 को अगर हम लोग 12 के साथ तोड़ेंगे तो 12 × 10, यानी कि अब इसको तो 3 से ज़्यादा भी तोड़ सकते हो ना। देखिए 12 को आप क्या कर सकते हो, 12 को आप लोग कर सकते हो 2 × 6, उसके बाद यहाँ पर 2 × 5, यानी कि देखिए 3 से ज़्यादा, मतलब ये इसके अलावा, जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 के अलावा 3 में और टूटना चाहिए। देखिए 12 को आप लोग 3 प्लस में जोड़ोगे, देखिए 1, 2, 3, 4 में आ गया, लेकिन यहाँ पर इसी की तरह इसको 8 को भी आप लोग तोड़ सकते थे, 4 × 2 कर सकते थे, देखिए 4 × 2 × 5 × 3 आ गया। इसी तरह 30 के साथ भी लोगे तो 30 × कितना होगा, 4 होगा, इसको भी आप लोग 3 से ज़्यादा में तोड़ सकते हो, लेकिन 24 को क्या 3 से ज़्यादा में तोड़ सकते हो, नहीं, क्योंकि 24 × क्या होगा आपका 5 होगा, केवल 2 ही सार्थक खंड हो रहे हैं, 24 के साथ केवल 2 ही हो रहे हैं, तो यानी कि इसका क्या आ जाएगा सर, 24 का अगर केवल 2 ही हो रहा है भाई, इसका तीसरा बना पाओगे, 24 को लेकर के बना सकते हो, लेकिन 24 के अलावा क्या 24 को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ 24 को लिया जाए, तो क्या 5 को आप लोग तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। जबकि यहाँ पर देखिए 12 के साथ हमने 10 को तोड़ दिया, 8 के साथ हमने 15 को तोड़ दिया, 30 के साथ हमने 4 को देखिए 2 × 2 कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर जो 24 वाला है नहीं हो सकता है, और सारे के सारे आपके यहाँ पर क्या है, हो सकते हैं। समझ में आ गया, आई होप क्वेश्चन का मतलब क्या था वो चीज़ समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि 3 ब्रैकेट में दिया गया है तो क्या हो सकता है। तो सिंपल सा इसको सॉल्व कर लो, देखिए क्या दिया गया, 3 × 4 − x दिया गया है, ये बड़ा है बराबर है किस, छोटा है बराबर है 4x + 5 के, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 − 3x, चिन्ह जो है वही लगा रहे हैं, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस x को इधर लेके आओ, इस 12 को उधर भेज दो, तो −3x इधर बचा है और 4x इधर आएगा, तो −4x हो जाएगा, और बड़ा है बराबर है किसके, इस 12 को इधर भेजो तो 5 इधर प्लस में है और माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और −3 − 4 कितना हो जाएगा −7x, बड़ा है बराबर है किसके हो जाएगा, 5 में से 7 गया कितना आ जाएगा −7 आ जाएगा, 5 में से 12 गया −7 आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जैसे 7 और 7 को तो हम काट दिए, यानी कि −x जो है इसके आ गया −1 के आ गया। अब क्या माइनस और माइनस को काट सकते हो, काटोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आएगा, क्यों अंतर आएगा मैं आपको समझाता हूँ कि अगर इसको हम लोग काटते हैं, माइनस और माइनस काटते हैं, तो ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा। पूछोगे क्यों हमने ऐसा क्यों किया, तो इस हिसाब से पहले यहाँ पर आंसर जो है आप लोग सी वाला टिक कर दो। अब सोचोगे मैंने ऐसा किया क्यों है, तो समझना ध्यान से, जैसे एक लिखा है क्वेश्चन लिखा है कि -3 छोटा है, -3 जो है बड़ा है -9
दो से, सॉरी माइनस दो मत होगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार कर दो। माइनस तीन जो है बड़ा है किससे भाई, माइनस चार से। लेकिन अगर देखिए इसको हम माइनस माइनस हटा देते हैं तो तीन और चार, तो क्या अभी ये सही है? नहीं सही है ना, क्योंकि तीन जो है बड़ा नहीं है चार से, तीन जो है छोटा है चार से। माइनस में जो वैल्यू होती है वो जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। इसी वजह से जब माइनस को हम लोग काटते हैं तो इस चिन्ह को भी हम लोग क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो इसी वजह से जब हमने इस माइनस को प्लस किया तो ये जो चिन्ह इधर था हमने क्या कर दिया, इधर कर दिया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ये समझ में आया होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट होता है मैथ में, हर चीज़ को ध्यान देना होता है, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला रट लो उससे आंसर आ जाएगा। कभी कभी छोटी छोटी गलतियों में आप लोग वहाँ पर छोटा मोटा गलती करके आ जाते हैं। काफ़ी लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस काटेंगे और ये ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आ जाएंगे, लेकिन वही गलती आपको यहाँ पर दोहरानी नहीं है। क्लियर है? चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 357.21 में 5 का मान कितना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 का मान पूछा गया है। अब देखो दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है उसको इकाई दहाई सैकड़ा में नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि सिर्फ हम लोग 357 को ले लेंगे। ठीक है, 357 को लेंगे तो देखिए ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, दसवां हो जाएगा। भाई दहाई का मतलब क्या होता है, 5 दसवां, 5 × 10 करने पर आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 10 नहीं बोलेंगे, 5 दसवां बोलेंगे, सॉरी 5 दसवां नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा, 5 दसवां यानी कि 5 दसवां भाग हो गया, तो यहाँ पर 5 10 बोलेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 5 दसवां का मतलब क्या हो गया, देखो 5 दसवां का मतलब हो गया कि 5 का दसवां भाग, लेकिन 5 10 का मतलब क्या हो गया, 5 × 10। ठीक है सर, जैसे 500 बोलते हो इसी तरह 5 10 बोला जाता है, इसी तरह 1000 स्थान पे होता है तो 5000 बोलते, 5000वां नहीं बोलते। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 5 10 बोला जाएगा, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर 5 दसवां गलती से मट्टी कर दीजिएगा, जैसे मेरे दिमाग में पहले 5 दसवां ही आया, बट यहाँ पर 5 10 जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि 3x + 2y बराबर कितना दिया गया आपका, 12 दिया गया है, और x × y का मान कितना दिया गया आपका, 6 दिया गया है। तो आपको इसका मान निकालना है। आप देखो इसको निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, देखिए 3x + 2y इसका मान कितना दिया गया, 12। अब मुझे पता है कि 3 का स्क्वायर करो, देखो 9x का स्क्वायर करो, x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 9x² इसका स्क्वायर करने पे आएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए 3x + 2y इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 12 का स्क्वायर। तब 3x + 2y यानी कि a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² यानी कि 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x² + b² यानी कि 2 × 4y² + 2ab यानी कि 2 × a कितना आपका, 3 × 2 यानी कि 2 × 3 = 6 × 12। देखा जाए तो ये 12 हो जाएगा, 12 ही तो होगा ना भाई, 2 × अगर 3 × x × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6 × 12, और यहाँ पर बचेगा क्या, x × y यानी कि 12xy आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, 9x² और + 4y² को ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं, और ये जो 12xy है, xy की वैल्यू कितनी दी गई, 6, तो 12 × 6 कितना हो जाएगा, 72, बराबर कितना आ जाएगा, 144। और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखिए 72 को इधर भेज दो तो 144 माइनस क्या हो जाएगा, 72, और 144 में से अगर हम लोग 72 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, इसका जो करेक्ट आंसर आपका 72 ही आ जाएगा, क्योंकि 72 × 144 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी तरह के, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो टेंशन बिल्कुल लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य कितना है, 4600 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, अंकित मूल्य मान लेते हैं आपका कितना है, x है, x में 8% की कटौती कर दी गई, कटौती मतलब काट लिया गया, तो भाई टोटल परसेंटेज कितना होता है भाई, 100, 100 में से 8 काट लो तो कितना बचेगा, 92 बचेगा। तो x का 92 यानी कि अंकित मूल्य का 92% जो है किसके बराबर है भाई, 4600 रुपये के बराबर। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन,
देखिए भाई, अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य जो है 4600 रुपये आ जा रहा है। तो यही आपका आंसर आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए, मुझे पता है 4600 और 4692 दो से गुणा करोगे तो ये 50 बार जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 × 100 यानी कि 5000 हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट मान है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5000। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? चलिए, आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। x-1/x का मान कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो x2+1/x2 का मान क्या होगा? तो सिंपल सा फंडा है, x-x का मान अगर 5 दिया गया है तो इसको आप चाहो याद कर लो, तो x2+1/x2 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा 5 स्क्वायर, जो आपका ये a दिया गया, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस दिया गया तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 कवर कितना होता है, 25 + 2 कितना आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कि +2 क्यों किया, तो आपको ये बेसिक भी दिखा देता हूँ, इसका समझाता हूँ कि x-1/x कितना दिया गया, 5 दिया गया है। काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, x2+a2+b2 होता है ना, और माइनस क्या होता है, 2 × a, a कितना है आपका x, b कितना आपका 1/x, बराबर कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग 25। तो देखिए, x और x कट गया तो यहाँ पर सिर्फ -2 बचा ना, -2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 + 2 कितना आ गया भाई आपका, 27 आ गया। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27। तो ये रहे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जितने भी साथी दोस्त हैं, अगर आप लोग हमसे अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हो, UP SSSC कैटेगरी में या UPSC कैटेगरी में, तो आप लोग जुड़ सकते हो। रेफरल कोड आपका दोस्तों MJLIVE है, इस कोड का यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर पढ़ाई रहा हूँ, अगर आप लोग अनअकैडमी पर आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाई रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।